हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन दिख रहा है आपको उसको दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंचे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से दर्पण हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, उनको आज क्लियर करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है गोलीय दर्पण। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने परिभाषा देखी कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोल आकार लिए हो, गोल शेप के हो, वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जो गोलीय दर्पण हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण, जिन्हें इंग्लिश में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। और उत्तल का हो जाएगा ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। तो हमने देखी इनकी परिभाषाएं, ऐसे दर्पण या ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, यानी कि बाहर पॉलिश की रहेगी, और उत्तल दर्पण की हमने परिभाषा देखी, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, यानी कि अंदर की तरफ क्या रहेगी, पॉलिश की हुई रहेगी। तो इनके चित्र देखते हैं। ये देखिए, यहां पर इस दर्पण पर पॉलिश की हुई है, तो ये है आपका अवतल दर्पण। जो अंदर का भाग है ये बनेगा आपका परावर्तक पृष्ठ। तो हमने परिभाषा से भी समझ लिया, चित्र से भी समझ लिया। आप याद कैसे रहेंगे, ए का मतलब अंदर की तरफ और ए का मतलब अवतल दर्पण। ऐसे ही देखेंगे इसका चित्र, तो इसके अंदर की तरफ पॉलिश की हुई रहेगी और बाहर का जो उभरा हुआ भाग रहेगा ऊपर, वो रहेगा परावर्तक पृष्ठ। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, याद कैसे करना है, ए का मतलब अवतल दर्पण और अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ, ओ का मतलब उत्तल दर्पण और ऊपर की ओर या उभरे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ। तो आपने देखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम इनसे संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को क्लियर करते हैं। चलिए